बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जिला बिलासपुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वे देशद्रोह को कानून खत्म कर देंगे, ये वो कहते हैं अपने उन दोस्तों के लिए जो देशद्रोह के नारे लगाते हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जिला बिलासपुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वह देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे, ये वो कहते हैं अपने उन दोस्तों के लिए जो देशद्रोह के नारे लगाते हैं और कहते हैं भारत के टुकड़े हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो कहते हैं एक अफजल मारेंगे घर घर से अफजल लाएंगे, जो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। भारत के टुकड़े करने वाले और भारत का नाम निशान मिटाने वालों के साथ राहुल गांधी जब खड़े होते हैं तो देश के हर नागरिक दिल में आग लगती है। देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे और ये अपने उन दोस्तों के चक्कर में कहते हैं जो नारे लगाते हैं भारत के टुकड़े हो बार बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो कहते हैं एक अफजल मारोगे घर घर से अफजल लाएंगे, जो कहते हैं अफसर हम शर्मिंदा है तेरे कातिल अब तक जिंदा है, जो पोस्टर चिपकाते भारत का नामो निशान मिटा दो, अरे भारत के टुकड़े करने वाले और भारत का नामो निशान मिटाने वालों के साथ ये राहुल गांधी खड़े होते हैं तो क्या आपके दिल में वो आग नहीं लगती कि ये नौजवान करता क्या है? और जब ये कहता है कि मैं देशद्रोह का कानून खत्म कर दूंगा तो क्या भारत के टुकड़े करवाने वालों को शह नहीं देते? ये जो पत्थर मारते हैं कश्मीर में नौजवान, ये कांग्रेस की सरकार में सैकड़ों से हजारों हो गए थे, आपने मोदी सरकार बनाई, मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी, पत्थरबाजों की बोलती बंद कराई तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मोदी जी हुर्रियत के नेताओं पर अलगाववादियों पर और ये पत्थरबाजों पर ऐसी कार्रवाई क्यों करते हैं? क्या करें बहन जी, बंद करवा दें, अपने फौजियों को मरने दें? इन्होंने तो ये कह दिया पुलवामा के हमले के बाद कि मोदी ने कार्रवाई क्यों की पाकिस्तान के ऊपर, फिर क्या हुआ 45 सैनिक मरे थे, यही कहा ना सैम पित्रोदा ने, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु ने। क्या आप भी यही सोचते थे कि हमें अपने शहीदों को बदला नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए था ना। तो मोदी जी ने पाकिस्तान को घर में घुस कर मारा है, हमारी भारतीय सेना ने जाकर बदला लिया मेरे भाई और बहनों।